आज का लफ्ज है अबेंडन, मुदरजा ज़ैल चार अल्फाज दिए जा रहे हैं। आपने इन चार अल्फाज में से वो लफ्ज मुंतखब करना है जो मीनिंग में लफ्ज अबेंडन के बराबर हो, यानी इन उन दोनों के मीनिंग सेम हो। ऑप्शन ए हंट, ऑप्शन बी कलेक्ट, ऑप्शन सी गिव अप, और ऑप्शन डी परस्यू। अब हम बारी बारी इन पांचों अल्फाज के मीनिंग देखते हैं, जिसके बाद हम आसानी से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अबेंडन का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना, यानी किसी चीज़ का इस्तेमाल छोड़ देना, किसी चीज़ का इस्तेमाल तर्क कर देना। हंट के मीनिंग होते हैं शिकार करना, यानी किसी परिंदे वगैरह का कोई शिकार करना। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। गिव अप का मतलब होता है तर्क करना या छोड़ देना। परस्यू का मतलब होता है जारी रखना या किसी चीज़ पर जोर देना, उसको पुश करना। लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, यानी गिव अप। अबेंडन और गिव अप दोनों के मीनिंग सेम हैं, दोनों का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।